हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी लेकर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा चावल, मेरे बहुत ही फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है राजमा चावल। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आज हम बनाते हैं राजमा चावल, बहुत ही जल्दी बनेंगे और एक नए तरीके से। तो चलिए फटाफट राजमा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने राजमा भिगोकर रख दिया था, अच्छे से आप देख सकते हैं राजमा अच्छे से फूल गया है। तो एक टिप कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमें राजमा खाना है लेकिन हम राजमा भिगोना भूल गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि गर्म पानी के अंदर राजमा आप भिगोइए सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ही आपका राजमा इतने अच्छे से फूल के तैयार होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने ओवरनाइट इसको सोक किया हो। तो चलिए अब फटाफट से राजमा बनाना शुरू करते हैं। तो जनरली हम जब राजमा बनाते हैं तो हम पहले राजमा को बॉईल करते हैं फिर तड़का लगाते हैं, लेकिन आज हम डायरेक्ट तड़के के साथ में इसको बनाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा और टेस्ट भी एकदम अमेजिंग आएगा। तो चलिए फटाफट कुकर चढ़ा लेते हैं गैस पे। तो देखिए, मैंने ऑयल ले लिया है कुकर में, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हमें तड़के के लिए चाहिए 1-2 छोटे छोटे से तेज पत्ता लिया है और 1 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग, साथ में चाहिए हमें जीरा और हींग। तो ये डाल देते हैं तड़के में। और अब इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से पकने देते हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो देखिए, प्याज हमारे अच्छे तरीके से पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर। साथ ही में यहाँ पे जाएंगे कुछ मसाले। तो मसालों में एकदम बेसिक मसाले, सिर्फ लाल मिर्ची पाउडर, और अगर आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, मुझे राजमा में हल्दी पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे रेड रेड जो तरी आती है ना राजमा की, वही ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद हम डालेंगे नमक और इसको अच्छे से टमाटर को एकदम ग्रेवी बनने तक पकाएंगे। तो देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा हम अभी डालेंगे और थोड़ा सा बाद में गार्निशिंग के लिए, और उसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच, और अब डाल देंगे हमारे भीगे हुए राजमा। और राजमा डालने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे। कोई भी सब्जी जब हम बनाते हैं ना, तो उसको जब भी हम स्लो फ्लेम पे भूनते हैं तो उसका जो टेस्ट है ना वो इनहांस हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से 4-5 मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं। देखिए, राजमा हमारे भून चुके हैं, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट मैंने इन्हें भून लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने एकदम बॉइलिंग वाटर लिया है इसमें ऐड करने के लिए। इतना पानी हमें ऐड करना है कि अच्छे से राजमा उसमें डूब जाए। ये देखिए, पानी ऐड हो चुका है, तो अब हम कुकर की लिड लगा देते हैं और
6 से 7 सीटी आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। पहली सीटी फुल फ्लेम पर और बाकी मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए प्रेशर रिलीज हो चुका है और राजमा बनके एकदम से रेडी है। ये देखिए कितने अच्छे से गल भी गए हैं। अब इसमें हम धनिया गार्निश कर देते हैं, ये कटा हुआ हरा धनिया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे राजमा बने, देखिए एकदम प्रॉपर गले हुए हैं। अब हम राजमा में एक तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है तड़का पैन में। घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा, 1 चुटकी हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो जैसे ही हम लाल मिर्च डालेंगे फटाफट हमें तड़का राजमा के ऊपर डाल देना है। और ये तड़का हमारा लग गया है, राजमा एकदम रेडी है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लेटिंग भी हो चुकी है, राइस बने हैं साथ में और बूंदी रायता। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।